मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना। इकाई अंक के जितने भी तरह के सवाल होते हैं सभी सवाल करेंगे। आप लोग को अगर ये वीडियो धीरे लगे अगर देखने में तो आप ऐसे गुनगुना करके देख सकते हैं। जो पढ़ लिए उसके लिए बोल रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो कृपया इसी स्पीड से देखें जिस स्पीड से पढ़ा रहे हैं, इस स्पीड से क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इकाई अंक। देखने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी, तू मत कर तमन्ना किसी को पाने की, तू मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें इस जमाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें इस जमाने की, खुद को बना काबिल है मेरे दोस्त, ताकि लोग करें तमन्ना तुझे पाने की, ताकि लोग करें तमन्ना तुझे पाने की। आइए इसी के साथ देखते हैं हम लोग यूनिक डिजिट। क्या देखते हैं? यूनिक डिजिट, इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना, इकाई अंक उसी को कहते हैं जैसे इकाई दहाई सैकड़ा गिनते हैं ना, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा गिनते हैं, जो पहली अंक होता है उसको क्या कहते हैं? इकाई अंक कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं। जैसे देखिए 8125 8125 है, इसमें पूछेगा इकाई अंक बताइए। जैसे हम लोग गिनते हैं क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये इकाई का स्थान पे है ना, ये आपका इकाई अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा इकाई अंक इसका? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1254 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक क्या हो जाएगा जरा बताइए, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इस प्रकार से चलिए गुना भी मिले 8 4 6 5 रहे, कहीं इसका इकाई अंक निकालने के लिए क्या होगा, क्या करेंगे ना, इसका इकाई अंक 4 होगा, इसका इकाई अंक 5 होगा। देखिए इकाई दहाई इकाई दहाई, दो अंक यहाँ दो अंक है, इसका पहला अंक पकड़ेंगे, इसका पहला अंक पकड़ेंगे। ये गुना में है तो दोनों को गुना करेंगे, जोड़ पड़ेगा दोनों को जोड़ेंगे, घटो पड़ेगा दोनों को आपस में घटा देंगे। ये गुना में है ना, इसके दोनों की इकाई अंक को आपस में गुना करेंगे, ये 20 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक 4 बटे 20, इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 0। 20 का इकाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका इकाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका इकाई अंक, इसका इकाई, इसका इकाई 5 है, इसका इकाई 4 है, तो 5 चौका 20, 5 गुना 4 5 चौका 20, ये 20 हुआ ना, तो ये इसका इकाई 0 है, इसका इकाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे एक और सवाल। सवाल कौन सा है? एकदम बेसिक सवाल है। कौन सा है? ये है। अगला सवाल है 1254 गुना 864, बताइए इसमें इकाई कैसे निकालेंगे? इसका इकाई अंक पकड़ेंगे, इसका इकाई अंक पकड़ेंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, बताइए 4 चौका 16, ये हो जाएगा इकाई अंक। कितना हो जाएगा इकाई अंक? इकाई अंक 6 हो जाएगा। किसका? इसका इकाई 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से लंबा गुना पूछा गया, इसका इकाई बताइए कितना हो जाएगा? इसका इकाई हो जाएगा दोस्तों, इसका इकाई हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, इसका इकाई पकड़ेंगे 5, इसका इकाई पकड़ेंगे 4, इसका पकड़ेंगे 0, इसका पकड़ेंगे 8, ठीक है ना, और सबको आपस में गुणा करेंगे, बताइए इसका इकाई 5 है, ये 4 है, ये 0 है, ये 8 है, बताइए सबको आपस में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, नहीं 0 कैसे हो जाएगा, किसी भी अंक को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा ना, 0 को किससे गुणा करेंगे? 0, यानी कि 5 चौका 20 20 160 160 0 करेंगे, सबको आपस में गुणा करेंगे ना, तो ये आपका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। इसका इकाई कितना हो जाएगा? इसका इकाई आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी के साथ आइए दूसरा सवाल लिखते हैं और करते हैं। आप अपने मन में भी सवाल अपने मन से भी लिख कर बना सकते हैं। आइए देखते हैं और सवाल देखते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है इकाई अंक निकालना।
आगे इकाइयों को निकालने के लिए सीखते हैं। क्या सीखते हैं? इकाइयों को निकालने के लिए सीखते हैं। चलिए देखते हैं, देखते हैं। आवाज क्लियर आ रहा है ना? किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो बताइएगा। देखते हैं, देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कितना है? 5। यहाँ पे है 81 है। पहला इकाई कितना है बताइए? यहाँ पे मान लीजिए 15 दे दे, 15 गुना 81 बताइए। इकाई निकालने क्या करेंगे? इसका इकाई पकड़ेंगे, इसका इकाई पकड़ेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे। कितना आ जाएगा? 5 गुना 1 = 5। इकाई कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं, लंबा वाला सवाल देखते हैं। दोस्तों इकाइयों निकालने के आज पूरा टॉपिक करेंगे, इकाइयों को आज समाप्त करना है, ठीक है? आइए देखते हैं। इतना अभ्यास कर लेना है ना कि देख के इकाइयों को मन ही मन कैलकुलेट कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे 725 है, 725 है, 725 है, 725 है, गुने 614 है, गुने 5 8 7 3 है, गुने गुने 2 5 4 है, और इधर उधर कर देते हैं, और गुने है 9 8 7 गुने 1। बताइए इस सब का इकाई कितना होगा? इतना बड़ा का इकाई क्या होगा? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है इकाई अंक निकालना। क्या पूछ रहा है? इकाई अंक निकालना। दोस्तों बताइए इतना बड़ा का इकाई निकालने के लिए क्या करेंगे ना कि इसका इकाई अंक पकड़ेंगे, इस तीनों को इकाई अंक आपस में गुना कर देंगे, 7 * 7 = 35 फिर इसका इकाई पकड़ लेंगे 5, इसका इकाई पकड़ेंगे 4 4 5 कितना हो जाएगा? 20, 4 * 5 = 20 का इकाई 0, यहाँ से यहाँ तक का इकाई कितना आ गया? 0। अब ये 0 आ गया, अब इसके इकाई अंक से इसके इकाई अंक इसके इकाई को गुणा कर देंगे, यानी कि 0 को गुणा करेंगे 3 से 3 को गुणा करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा? 4 * 12 * 0 कितना आ जाएगा? 0 आएगा। इसका अंक कितना आएगा? इसका इकाई अंक 0 आएगा। कितना आएगा? इसका इकाई अंक गड़बड़ हो गया क्या समझ लेते हैं? इसका आंसर तो लेंगे 8 दे रहा है। आइए देखते हैं फिर से इसको सवाल लिखते हैं। सवाल लिखता है गड़बड़ हो गया। चलिए देखते हैं सवाल लिखते हैं, सवाल लिखते हैं। 723 * 5 = 8 7 * 2 = 5 * 9 = 8 = 1 इसका इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालिएगा दोस्तों, कैसे निकालिएगा? इसको इसको आपस में गुणा करिएगा, इसको इससे गुणा कीजिएगा, सबके इकाई को आपस में गुणा करिए। यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 1, सबको गुणा कीजिए। कितना होगा? 4 * 12 = 36 इसको पकड़िए 6, 7 * 28 * 28 इसको पकड़िए 8, और ये इसका इकाई 6, इसका इकाई 8, इस सबको आपस में गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। इकाई कितना हो जाएगा? 48। कितना आएगा इकाई? इकाई इसका 8 आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। उस वाला सवाल में मिस हो गया था करने, ठीक है ना? इसलिए फिर से लिखे क्या किए ना, सबके इकाइयों को आपस में गुणा किए। बताइए 3 * 12 = 36, 36 हुआ, 36 * 6 वही लिखे हैं, 3 * 4 * 3 इसको आपस में गुणा, 36 36 * 6 इसका इकाई 6 आ गया। इतना लंबा गुणा करना कभी कभी दिक्कत कर सकता है, इसीलिए क्या किए ना इसको आधा गुणा कर ले, 3 * 12 = 36 * 6 फिर इसके इकाई को इसके इकाई से गुणा कर देंगे। बताइए 7 * 28 * 1 = 28 इसका इकाई 8, इसका इकाई 6 * 8 = 48 * 48 = 8 सबका इकाई कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं।
एक इस प्रकार का सवाल और देखेंगे, उसके बाद हम टाइप चेंज कर देंगे। यहाँ पे है सवाल में छ गुना दो आठ नौ गुना पाँच चार चार, ठीक है, गुना दो आठ आठ का पूछता है इकाइयाँ। इसका इकाई बताइए कितना होगा, इसका इकाई क्या करेंगे, इसके इकाई को इससे गुना करेंगे, नौ छक्का चौवन, इसका चार ले लेंगे, ठीक है ना। अब इसके इकाई को इससे गुना कर देंगे, चौका बत्तीस, इसका बोलेंगे इस दो को इस चार से गुना कर देंगे, चार दूनी आठ, यही आपका क्या हो जाएगा, सबका इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी इसमें एक डाला गया, इसलिए फ्रेश नहीं दिखता, थोड़ी देर में फ्रेश दिखने लगेगा। आप लोग इसको हाई क्वालिटी पे वीडियो देखिएगा, हाई क्वालिटी के 720 किसी पे किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ठीक है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। इस प्रकार का सवाल आपके आर एस अग्रवाल में, आपके पास जो भी किताब है आप उससे खोज के बना लीजिएगा। और देखते हैं गुना वाला, गुना में जितना भी सवाल था लगभग इकाई बेसिक आपका इकाई अंक का ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन। देखिए एक बात आप लोग के मन में उठ रहा होगा, कि इसका इकाई इसका इकाई अलग होना चाहिए, इसका इकाई अंक इसका इकाई को अलग गुना किए, फिर इसका इकाई के लिए इसका इकाई के लिए आपस में गुना करते तो इकाई अंक आ गया।
Thank you.
Oh.